सियासी मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आदरणीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हम सभी के अभिभावक रहे, दूसरे अंबेडकर के तौर पर इस देश में उनको जाना जाता है, जिन्होंने दलित की, वंचित की, शोषित की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के तहत आशीर्वाद यात्रा में औरंगाबाद, अरवल, हर जगह उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और बिहार के विभिन्न जिलों में मूर्ति का अनावरण होगा, उसके तहत यह मूर्ति लगी है। उन्होंने अंतिम सांस अपनी इस आवास में ली, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि दलित सेना का जो गठन 1982 में उन्होंने किया, और यहाँ से ही उन्होंने दलित, वंचित, शोषित की लड़ाई लड़ी, और हम लोग तो पार्टी के वर्कर होने के नाते ये जानते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे वर्कर और हमारे पार्टी के एक एक सिपाही उनकी पूरे देश में मूर्ति का अनावरण करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं।